दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आप बीएनएमयू मंडल मधेपुरा की यूनिवर्सिटी से बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो आपका अगर रिजल्ट पेंडिंग हो गया है या बीए पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री या बीएससी पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री किसी भी पार्ट में अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग हो गया है, तो बीएनएमयू की ओर से एक न्यू अपडेट निकल रही है। इस रिजल्ट पेंडिंग को आप बिना यूनिवर्सिटी जाए आप ऑनलाइन इसका समाधान पा सकते हैं, ऑनलाइन अपना रिजल्ट को क्लियर कर सकते हैं। जानेंगे आज की इस वीडियो में, वीडियो पूरा देखिएगा तभी आप पूरी चीज विस्तार से समझ पाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, ये आप सेम स्टेप मोबाइल में भी कर सकते हैं और सिस्टम में भी कर सकते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है इसमें। यहाँ पे देखिए टोटल आपको कितने डॉक्यूमेंट लगेंगे, 8 डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है, 8 डॉक्यूमेंट लगेंगे, 8, ठीक है। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट, ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है। उससे पहले मैं आपको एक पेपर का कटिंग दिखा देता हूँ, जो कि बीएनएमयू मंडल यूनिवर्सिटी की ओर से जारी किया गया है। उस पेपर के कटिंग में क्या लिखा गया, क्या बताया गया, वो पहले आपको हम दिखा देते हैं। तो ये देखिए पेपर की कटिंग है, विद्यार्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 दिन में होगा पेंडिंग रिजल्ट में सुधार वीसी के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कोरोना वायरस, यहाँ पे देखिए थोड़ा क्लियर आपको नहीं दिखाई देगा, और इसीलिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। कोरोना वायरस को लेकर लागू लॉकडाउन के कारण लगभग 2 महीने से वीवी के छात्रों आवाजाही पूरी तरह से बंद है। इधर शनिवार को जारी किए गए स्नातक पाठ्य परीक्षा 2019 के रिजल्ट में काफी संख्या में छात्र छात्राओं का रिजल्ट पेंडिंग हो गया है। मतलब 2019 का जो जिसका था उसका रिजल्ट पेंडिंग हो गया बहुत ज्यादा संख्या में। पेंडिंग रिजल्ट सुधार के लिए बीएनयू छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस खबर को दैनिक भास्कर के सोमवार को अंक में बीएनएमयू में डिग्री सात हजार छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग का जो ये दैनिक भास्कर छापा था, इसी को मद्देनजर देखते हुए बीएनएमयू ने एक अपडेट निकाली है। उसके लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते, चलिए शुरू करते। उसके लिए आपको मोबाइल या सिस्टम में एक अपना ईमेल को लॉगिन कर लेना होगा। जीमेल लॉगिन हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपको एक मेल करना होगा, कॉम्पोर्ट्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको एक मेल करना होगा बीएनएमयू मंडल। किस ईमेल आईडी पे आपको मेल करना होगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। मेल आईडी में आपको बता देता हूँ, com.cell.bnmu@gmail.com। ये ईमेल आईडी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। com.cell.bnmu@gmail.com पर आपको मेल करना होगा। तो उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख दीजिए पेंडिंग रिजल्ट ऑफ 2019। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना होगा, तो उसके बाद यहाँ पे आपको अपना रोल कोड, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद नेम आपको देना होगा, इस तरह डिटेल देना होगा। उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा। डॉक्यूमेंट की लिस्ट हम आपको दिखा देते हैं। डॉक्यूमेंट आपको टोटल 8 डॉक्यूमेंट करना होगा, जिसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है वो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म है। इस फॉर्म आपको आपको सेवा में देख सकते हैं, श्रीमान परीक्षा नियंत्रण महोदय बीएनएमयू मधेपुरा, और द्वारा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, उसके बाद अपने कॉलेज का नाम देंगे, ठीक है। सेवा में, उसके बाद सेवा में देने के बाद श्रीमान परीक्षा नियंत्रक महोदय बीएनएमयू मधेपुरा, उसका द्वारा लिख के श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, उसके बाद जिस कॉलेज में आपका एडमिशन वो देंगे। उसके बाद यहाँ विषय लिखेंगे, फाइनल ईयर या अंतिम ईयर जो भी लिखना चाहिए, फाइनल ईयर पेंडिंग रिजल्ट में सुधार हेतु, या कुछ भी लिख सकते अपने हिसाब में, फाइनल ईयर मार्कशीट में बीए पार्ट वन पार्ट टू का अंक पद जोड़ने के लिए या पेंडिंग रिजल्ट को सुधार करने के लिए, कुछ भी आप यहाँ पे विषय में लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ महोदय, इस कारण वर्ष मुझे पेंडिंग कर दिया गया,
सभी खंड का प्रवेश पथ एवं अंग पथ संकलन कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह का आपको एक एप्लीकेशन लिख लेना है। एप्लीकेशन लिखने के बाद आपको पार्ट वन का मार्कशीट, पार्ट टू का मार्कशीट, उसके साथ साथ आपको पार्ट थ्री का मार्कशीट देना होगा। उसके साथ साथ पार्ट वन का एडमिट कार्ड, पार्ट टू का एडमिट कार्ड, पार्ट थ्री का एडमिट कार्ड, यानी तीनों पार्ट का आपको एडमिट कार्ड, तीनों पार्ट का आपको मार्कशीट और साथ साथ आपको रजिस्ट्रेशन भी देना होगा। ये सारा डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लेंगे और सारा डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद अब इस सारे डॉक्यूमेंट को एक पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने एक पीडीएफ में कन्वर्ट कर रखा हूँ। तो यहाँ पे देखिए जरूरी है कि पीडीएफ में ही बनाइए, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि पीडीएफ में ही बनाकर भेजना है। तो अनिवार्य है कि पीडीएफ में आप बना के कन्वर्ट करके सेंड कीजिएगा मेल। तो आप देख सकते हैं ये पीडीएफ है, पीडीएफ में आपको इसी तरह पूरी पेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब पेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए ऑनलाइन आपको एक वेबसाइट पे जाना होगा। तो उसके लिए आपकी आपको jpg2pdf.com की वेबसाइट पे आना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको अपलोड फाइल का एक ऑप्शन है, तो अपलोड फाइल का ऑप्शन में क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको जो भी आपका जेपीजी फाइल है, जो भी डॉक्यूमेंट है, उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे आप। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे पहले डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने के बाद कन्वर्ट होगा। अगर आप एक से ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे तो एक से ज़्यादा यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने दो पेज सेलेक्ट किया, दो पेज यहाँ पे डाउनलोड कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह जितना भी करेंगे यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये आपका डॉक्यूमेंट पूरा आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आप कम्बिनेट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फाइल होगा वो पीडीएफ में डाउनलोड हो जाए। चलिए इस पे क्लिक करेंगे। तो पीडीएफ बना लेने के बाद आपको फिर से यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद वो जो पीडीएफ आपने बनाया उस पीडीएफ को आपको यहाँ पे अटैच करना होगा। यहाँ पे अटैच फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ जो मैंने पीडीएफ बनाया इस पीडीएफ को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए ये पीडीएफ यहाँ पे अपलोड हो रहा है। इस पीडीएफ को अपलोड होने देंगे। अपलोड जब हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक करें। चलिए सेंड बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे सेंड कर चुके हैं। अब यहाँ पे आएंगे चेक करने के लिए, यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से देख पाएंगे सेंड हुआ कि नहीं। यहाँ देखिए मैंने दो सेंड किया है, तो यहाँ पे देखिए एक और दो दोनों यहाँ पे सेंड हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पूरा रोल नंबर, रोल कोड, नाम वगैरह और जो मैंने पीडीएफ अपलोड किया था वो पीडीएफ भी यहाँ पे अपलोड हो चुका है, यानी कि ये मेल हमारा जा चुका है। और यहाँ पे देखिए बताया गया था विद्यार्थी करें ऑनलाइन आवेदन, 7 दिन में होगा पेंडिंग सुधार। आज मैंने 12 मई को किया हूँ और 7 दिन में ये पेंडिंग जो है सुधार हो जाएगा। यहाँ पेपर कटिंग में भी देख सकते हैं किस मेल पे दिया गया था भेजने के लिए, com.cell.bnmu@gmail.com। ठीक, इस तरह आपने बीएनएमयू में अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग हुआ है तो आप इस प्रक्रिया की मदद से आप अपना रिजल्ट को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करेंगे ये आपको छोटा सा वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के नॉलेज फुल जानकारी सबसे पहले आप तक मिलती रहे। इससे पहले मैंने आपको बताया था बीएनएमयू के जब भी बीएनएमयू में कोई भी अप्लाई निकलता है, मतलब कोई भी एडमिशन, तो उसके बारे में आपको वीडियो में बताता हूँ। तो वो भी आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मूल प्रमाण पत्र ऑनलाइन निकलवाने के लिए बीएनएमयू मंडल की वेबसाइट से, इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो देख लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे किस तरह आप ऑनलाइन बीएनएमयू मंडल के वेबसाइट से अपना मूल प्रमाण पत्र निकाल सकते हैं ओरिजिनल। तो चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही नॉलेजफुल जानकारी के साथ।